डॉक्टर, इंजीनियर, नहीं नहीं एंटरप्रेन्योर, मैं तो डांसर बनूंगा, नहीं मैं सिंगर बनना है मेरे को तो। गाइस, क्या आप भी उन्हीं में से जो ऐसे कैरियर सिलेक्शन को लेके अपने टीनेज में आके बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं? और कंफ्यूज होंगे भी क्यों नहीं, अपने आसपास के माहौल आपको इतना प्रेशराइज करता है, इतना प्रेशराइज करता है कि आपको बनना ही पड़ेगा, नहीं बनोगे तो आपको कुछ भी कह लेंगे ये लोग, कुछ भी कह लेंगे। और सबसे गलत स्टेप हम लोग यही उठाते हैं, उन लोगों का कहना मान के जो लोग अपने जैसा हमें बनाना चाहता है और हम भी उन्हीं के जैसे बनना चाहे, ये वो लोग चाहते हैं जी। इन्हीं टॉपिक में मैं आज इस वीडियो में आप सबसे बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है शोविक और वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश एपिसोड ऑफ मी थ्री यूट्यूब चैनल। बने रहिए इस चैनल के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले जो चीज हमें करना है और वो है हमें खुद के साथ बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। जी हाँ, थोड़ा खुद के साथ भी कभी कभी बातें कर लेना चाहिए। हम लोग क्या है ना, दूसरों के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ बात करने में इतना लग जाते हैं कि हमें खुद को टाइम देने में हम खुद ही भूल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा सबके साथ होता है। आप सोच के देखना, जैसे कि आप लोग कमेंट करते हो कि शोभिक भाई आपका वीडियोस हम मेरे साथ रिलेट कर सकते हैं, हम लोग खुद के साथ रिलेट कर सकते हैं, ये बात भी आप रिलेट करके देखना। आप लोग आसपास की दुनिया में, सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम मतलब वही रहा सोशल मीडिया, हर जगह दूसरों के बारे में सोचने में इतना लग जाते हैं ना कि खुद के बारे में सोचना हमेशा के लिए भूल जाते हैं। और लास्ट में क्या होता है, एक ऐसा कैरियर चूज करना जो कि हम बिल्कुल चाहते नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, हरगिज नहीं चाहते थे, उसी कैरियर को हम अपना कैरियर बना के बैठते हैं और बाद में हम मुझे ऐसे करते करते सोचते रहते हैं, काश मैं ये किया होता, काश मैं खुद के बारे में थोड़ा सोचा होता और काश मैं एक अच्छा स्टेप्स लिया होता। ये थोड़ी देर सोच के देखना कि हम खुद के साथ थोड़ा बातें कैसे कर सकते हैं। और मुझे 100% पता है, हम लोग अगर कोशिश करें तो ये जरूर कर सकते हैं। कभी अपने मोबाइल को साइड में रख के, सोशल मीडिया के बारे में भूल के, कभी थोड़ी देर अपने सांस को भी सुन लिया करो, तभी पता लग जाएगा कि कैसे खुद के साथ बातें किया जाता है। और दूसरा जो चीज हमें करना चाहिए और वो है, एक इनविजिबल कॉर्क खरीद के अपने दोनों कानों में घुसेर के रख दो। ऐसा होता नहीं है, मुझे भी पता है भाई लोग, लेकिन सोचो कि आपके कान बंद है। आप जब बाहर जाते हो, अपने घर से बाहर जाते हो, तब सोचो कि आपके कान पूरी तरह बंद है, आपका दिमाग पूरी तरह बंद है, आपका दिल खुद के साथ कनेक्टेड है, ना कि किसी और के साथ। गर्लफ्रेंड का बात नहीं कर रहा हूं, सबका बात कर रहा हूं। गर्लफ्रेंड अलग मैटर है, फैमिली अलग मैटर, मैं सब समझता हूं, लेकिन थोड़ा पर्सनल रहा करो भाई लोग, तभी आगे बढ़ पाओगे अपने खुद के कैरियर पे। तुम बनना कुछ चाहते हो और लोगों के कहने से तुम बन कुछ और रहे हो। ऐसा मेरे साथ हो रहा था और एक ऐसा टाइम आ गया जबकि मैं पूरी तरह चेंज हो गया और फिलहाल मैं आपके साथ बातें कर रहा हूं और मैं यूट्यूब में बहुत साल से आने का कोशिश कर रहा हूं। आप लोग इस चैनल को अबाउट सेक्शन में जाके इस चैनल को डिटेल्स में पढ़ सकते हो, ये चैनल बना कब था, कितना सारा नाम मैंने चेंज किया और कितना सारा अबाउट सेक्शन में मैंने डिटेल्स चेंज किया, ये मुझे भी नहीं पता। एट लास्ट मैं अटका, जी हाँ अटका आप लोगों के साथ बात करने में। और मेरा पैशन ये था कि मैं कभी ऐसे लोगों के साथ बात करूं। लोग तो नहीं है फिलहाल सामने, लेकिन बहुत सारा लोग है और मेरा 100% गारंटी है कि ये आप लोग पसंद कर रहे हो। और कहीं ना कहीं से मेरा जो ऑडियंस का जो एज ग्रुप है, अपने एज ग्रुप के साथ ये रिलेट कर पा रहे हो कि ऐसा आपके साथ हर रोज हो रहा है। और जी हाँ, हर रोज हो रहा है, ऐसे मैं तो खुद बहुत फेस किया और मैं देख भी रहा हूं और मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, अगर ये वीडियो आप अपने अंदर पूरी तरह भर लो ना, जितना जोश के साथ मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, उतना ही जोश के साथ आप अगर मेरे इस वीडियो को अपने जहन में मिला लो, तो आप लोग भी आगे बढ़ पाओगे और अपने हिसाब का चल पाओगे, अपना मन के जैसा डिसाइड करके चल पाओगे। मेरा हिंदी का तीसरा जो चीज है, आप लोग अपने स्किल को आगे बढ़ाओ। आपके जो अंदर जो स्किल का भंडार छुपा हुआ है ना, उनको आप ऐसे ऐसे परफेक्शन की तरफ लेके जाओ ताकि कोई ऐसा बोल ना पाए कि बंदे के अंदर या फिर बंदी के अंदर कोई स्किल ही नहीं है, वो अपने हिसाब से कैसे चलेगा। और ऐसा ही होता है, मतलब ये आपका गलती नहीं है, ये मेरा गलती नहीं है, ये भी सोसाइटी का गलती है कि आपको ऐसे प्रेशराइज करेगा ना कि करेगी भी हो सकती है, ऐसे प्रेशराइज करेंगे
कि आपको मजबूरन ये सोचना पड़ेगा कि आपके अंदर कुछ नहीं है, आप खाली डब्बा हो, ऐसा आपको सोचने में मजबूर कर देगा। और मैं ये डैम श्योर के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ है। आज के इस वीडियो में मैं सब कुछ डैम श्योर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ये फेस कर चुका हूँ, खुद फेस कर चुका हूँ ऐसा। और फिलहाल आप देख पा रहे हो कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ और मेरे अंदर कैसे जोश फूट फूट के भरा हुआ है। जी हाँ, मैं ये आपको बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ऐसा ही करना है ताकि आप भी एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाओ, ताकि आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाओ, ऐसे एक लेवल पे पहुंच पाओ जब खड़े होके आप बोल सके। बहुत रोकने की कोशिश की थी आप लोगों ने, लेकिन मैं मेरी जगह में हूं और आप लोग अभी भी उसी जगह में हो। जी हाँ, उसी जगह में हूं। मैंने ऐसे नहीं दिखाया, क्योंकि आप अगर अपने स्किल सेट को आगे बढ़ाओगे, परफेक्शन की तरफ लेके जाओगे, और आपके मन जो सोचता है उसी में आप लोग मतलब कुछ सक्सेसफुल करोगे, तब वो लोग इधर ही रहेंगे और आप रहेंगे उधर, जहां आप कभी सोच भी नहीं सकते। और चौथे चीज जो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, थोड़ा हंसना सीखो, थोड़ा मुस्कुराना सीखो। ये दुनिया आपको मुस्कुराने नहीं देगा, आपको प्यार बांटने नहीं देगा, आपके साथ कुछ भी सही नहीं होने वाला, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं। आपका लाइफ इधर उधर भागने की कोशिश करेगा ही करेगा, लेकिन हर एक अप्स एंड डाउन्स को आप मुस्कुरा के अगर छोड़ दोगे ना, तभी आपका लाइफ बनेगा एकदम सनफ्लावर जैसा, हमेशा फेसिंग टू द सन। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ये दुनिया आपको कभी भी आगे नहीं जाने देगा। आप थोड़ा आगे क्या निकले, वो लोग स्टार्ट कर देंगे, भाई इतना आगे मत जा, आगे जाने से बंगाली में बोलता है ना, आगे गले बागे खाए, ऐसे ही बोलते हैं ये लोग, मतलब आगे जाने से बोलता है टाइगर खा लेता है। मुझे तो कुछ अभी तक पता नहीं चला इस कैसा एक लॉजिक है, इस लॉजिक के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। जैसे भी हो, मैं मुझे और फर्क भी नहीं पड़ता। और मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं एक बहुत बड़ा लेवल में जा चुका हूं, मैं ये बोलता नहीं हूं, लेकिन मैं ये डैम श्योर एश्योरिटी देता हूं कि मैं उस लेवल पे पहुंचूंगा कभी ना कभी, और आप लोगों के साथ पहुंचूंगा। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो आप लोग एक बड़ा सा लाइक दबा दीजिए, बटन तो बड़ा नहीं होने वाला, लेकिन उसी लाइक को दबा दीजिए, चलेगा। दैट्स व्हाट आई वही चाहता हूं मैं, मोटिवेट रखने के लिए खुद को। और ऐसे ही हर रोज, ओह मैं तो भूल ही गया आपको अपडेट्स देने वाला था, और जैसे कि यहाँ पे आप लोग जो लोग मुझे सोशल हैंडल्स में फॉलो करते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जो भी चीज है उन सब में फॉलो करते हो, आप लोगों को तो पता लग ही गया होगा कि अभी से मैं हर रोज आपके साथ ऐसे ही कुछ ना कुछ फाड़ू वीडियो लेके आने वाला हूँ। और फिर भी यूट्यूब में मैं आपको ऑफिशियली अनाउंस कर देता हूँ, जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है शोभिक और आप देख रहे हैं मित्री यूट्यूब चैनल। अभी से हर रोज एक वीडियो करके आप लोग के लिए पोस्ट करने वाला हूँ मैं। और मुझे अगर आप लोग पसंद करते हो तो, मुझे मेरे वीडियोस को अगर आप लोग पसंद करते हो तो प्लीज लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जिनको ये सब वीडियोस चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मुझे YouTube कमेंट में तो ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन क्या है ना, सोशल हैंडल्स में काफी मैसेजेस आता है, जो लोग बोलते हैं कि भाई मैं अपने लाइफ के साथ रिलेट कर पा रहा हूँ, उसके लाइफ के साथ रिलेट कर पा रहा हूँ, जिनको जरूरत है उनके साथ ये वीडियोस रिलेट होता है। तो आप लोग सब्सक्राइब करके घंटी भी बजा दो, ऐसे नोटिफिकेशन आप लोग पास पहुंच जाएगा। और शेयर जो बोल रहा था मैं, शेयर करते रहो ताकि आप और भी रिलेट कर पाओ और इसी चीज को आप इम्प्रूव कर पाओ। तो देखिए दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, अपने हिसाब से थोड़ा चलना सीखो, 18 इयर्स के ऊपर हो गए ना तो अर्निंग करना सीखो, पैसा कमाना सीखो, और पैसा कमाओगे तो तभी पता चलेगा कि पैसा कमाना भी कितना मुश्किल है और उसको रिटेन करके रखना भी कितना मुश्किल है। क्योंकि दोस्तों, इस दुनिया में चलने के लिए ना पैसा हमेशा चाहिए, और पैसा आप अगर 18 इयर्स के ऊपर हो गए तब अगर आप थोड़ा सा भी कुछ अर्निंग नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों। तभी आपको ये सब सुनने को मिलता है कि तेरे से कुछ नहीं होने वाला, तू कभी आगे नहीं जा सकता, तू ये नहीं कर रहा, यूट्यूब में वीडियो बना के क्या होने वाला है। देखो, मैं यूट्यूब में वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ पैसे के लिए नहीं, जी हाँ, ये कभी मोनिटाइज होगा चैनल, लेकिन सिर्फ पैसे के लिए मैं यूट्यूब चैनल अभी चला नहीं रहा हूँ। अगर ऐसा ही होता तो मैं हर रोज टेक वीडियोज लाता, या फिर मैं टेक
बातें करने के लिए एक अलग सा चैनल खोलता, लेकिन नहीं, मैंने आप लोगों के लिए ये ऐसा एक चैनल बनाया जहां पे मैं आप लोगों को मसालेदार टिप्स दूंगा, मोटिवेट करूंगा और स्टाइल्स के बारे में बताऊंगा, फैशन के बारे में बताऊंगा, आपको लाइफस्टाइल, एक अलग सा लाइफस्टाइल कैसे जिया जाता है वो मैं सिखाऊंगा। बस और कुछ नहीं बोलने वाला, आप लोग अपने साथ थोड़ा बात करो, अपने साथ थोड़ा हंसी मजाक करो, कोई भी आपका मजाक उड़ाए तो उसको मजाक समझ के लेके आप खुद का मजाक उड़ा दो सबसे पहले, तो उन लोगों को घंटा फर्क पड़ेगा, आपको घंटा फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपको तो आप खुद पहचानते हो ना, वो लोग थोड़ी ना पहचानते जो लोग आपको मजाक उड़ा रहा है। कभी मेरे मुंह में बहुत सारा पिंपल्स था पता है दोस्तों, जी हाँ, अभी भी आप लोग देख सकते हो थोड़ा बहुत मार्क्स है। ये बहुत ही मेरा नेगेटिव पॉइंट था कि मेरे मुंह में पिंपल्स था और लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे, और अभी फिलहाल बोला नहीं चाहिए, लेकिन उन्हीं में से चार पांच ऐसा लोग है जो मेरे को आके कभी ना कभी थोड़ा बहुत इधर उधर की रिक्वेस्ट कर देता है। मुझे पता था कभी ऐसा होने वाला है, और आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि आप लोग भी कभी वैसे ही जगह में जाने वाले हो जहां पे जाने के लिए आप लोगों को वही लोग रोकते हैं जो लोग नहीं चाहता कि आप लोग उन लोगों के ऊपर किसी भी तरीके से चले जाओ। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। अगर कोई भी सुझाव हो, सवाल हो, सजेशन हो, कुछ भी हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इनबॉक्स में तो बताते हैं और मैं ये अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन यूट्यूब में आप लोग अगर कमेंट करोगे तो मुझे और भी ज्यादा पता चलेगा और मैं आप लोग को हर्ट भेज सकता हूं। और घंटा दबा के रखना सब्सक्राइब के साथ, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। टिल देन कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, बी ओरिजिनल।